बिहार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों को एनसीबी ने खारिज कर दिया है। एनसीबी और डीआरआई के सूत्रों से जाली नोट भी बरामद कर लिए गए। इस मामले में खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, समीर वानखेड़े ने मलिक के आरोपों को गलत बताया है। सीधे सीधे सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि वानखेड़े ने 14 करोड़ के नोट पकड़ने वाले आरोप को गलत बताया। वानखेड़े ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही कि 14 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख के नोट पकड़े गए थे और इस पूरे मामले में 3 आरोपी अरेस्ट भी किए गए थे जिन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। दरअसल मलिक ने फडणवीस पर आरोप लगाया था कि एनसीबी के जरिए करोड़ों की उगाही की जाती है, जिसको वानखेड़े ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि ऑन कैमरा जरूर वानखेड़े ने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा जरूर जो बातें कही गई हैं, ये कहा जाए कि उसमें नवाब मलिक जो लगातार आरोप लगाते रहे हैं उस पर समीर वानखेड़े ने सफाई दी। समीर वानखेड़े ने कहा है कि जो 14 करोड़ की बात कही गई वो 14 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख के नोट पकड़े गए थे।